हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में अभी आप लोगों का कॉलेज एडमिशन हो जाएगा फिर आप लोग हॉस्टल जाएंगे तो हॉस्टल जाने से पहले कौन सा कौन सा चीज़ आपके साथ लेके जाएंगे उसका एक चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है सो बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ तो एक चेकलिस्ट बनाएंगे जिस पर आप टिक कर सकेंगे तो इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इसका पीडीएफ वगैरह या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ दे दूंगा आप इसको प्रिंट आउट करके टिक uh, कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके टिक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी अपना बना सकते हैं ओके okay? कैसे बना रहा हूँ मैं नोशन में बना रहा हूँ ये चीज़ें हॉस्टल एसेंशियल्स एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो जनरली मम्मियों को दिखा सकते हो क्योंकि वही लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने सामान को पैक करने के लिए एंड दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉयज़ uh, भी देख सकते हो गर्ल्स भी देख सकते हो सारे एसेंशियल चीज़ों को मैं कवर करूँगा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी गर्ल्स के लिए वो हम uh, मैं बता दूंगा जिस जगह पर एक्स्ट्रा चीज़ें होगा क्योंकि बॉयज़ लोग हैं ना बहुत कूल होते हैं कम चीज़ों में भी एडजस्ट कर लेते हैं जैसे मैं भी हॉस्टल में रह चुका हूँ तो ये सभी चीज़ें मैं भी अपने साथ लेके गया था ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा शुरू करने से पहले दैट इज़ कि कुछ चीज़ें आप अपने घर से लेके जाओगे एंड कुछ चीज़ें होगा उस जगह पे आप जाके खरीदोगे ठीक है तो दो तरह का चीज़ होगा तो वो आप सोच लेना कि कौन सा चीज़ आप वहाँ जाके खरीदोगे कौन सा चीज़ आप यहाँ से लेके जाओगे अपने घर से लेके जाओगे दैट यू हैव टू डिसाइड क्वै एनफ अभी शुरू करते हैं जो पहला पॉइंट होगा दैट विल बी अबाउट टॉयलेट रेस ठीक है मैं पूरा आराम आराम से लिखूंगा सभी चीज़ें और चेकलिस्ट में बनाऊंगा तो टॉयलेट तो रेस में आपका क्या क्या चीज़ कवर हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाएगा जो टॉयलेट रेस में है भी नहीं बट आप देख लेना कि हाँ मैं कवर करते जा रहा हूँ पहला चीज़ है टूथब्रश यार टूथब्रश तो आपको लेके जाना है स्पेलिंग गलत हो गया टूथब्रश ओके टूथब्रश के साथ साथ आपको लेना है टूथपेस्ट ये भी आपको लेके जाना है इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं जिस चीज़ में एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा कि वो क्या है क्या नहीं है मैं आपको गूगल से इमेजेस भी दिखा दूंगा फिर फेस वॉश भी लेके जाना मैं रूटीन जैसे शुरू करते हैं यार सुबह आपने उठा आपको वॉशरूम जाना रहता है आपको फिर ब्रश करना रहता है तो ब्रश एंड पेस्ट वो कॉम्बिनेशन चेहरा धोना है फेस वॉश नहाना है तो शैम्पू शैम्पू के साथ काफ़ी लोग कंडीशनर भी यूज़ करते हैं तो कंडीशनर भी मैं लिख लेता हूँ कंडीशनर के बाद नहा धो के आएंगे कंगी करेंगे तो कॉम भी ले लेना वो आपका वैरायटी देख लेना कि आप कौन सा प्रेफर करते हो जैसे काफ़ी लोग क्या होता है कि वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ़ कंगी होता है तो वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं जो आप घर पर यूज़ कर रहे होंगे वही वो उसी को ले चले जाना नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है नहाते टाइम काफ़ी लोग को बॉडी वॉश पसंद है तो आप बॉडी वॉश भी अपने साथ ले सकते हो और बॉडी वॉश के साथ आप सोप भी ले लेना एंड हैंड वॉश भी जरूरी है तो हैंड वॉश भी लेके जाना ये एरर क्यों आ रहा है हाँ हैंड वॉश भी ले जाना हैंड वॉश के साथ अगर मैं आपको बोलूँ काफ़ी लोग टिश्यू पेपर भी लेना प्रेफर करते हैं ठीक है मतलब धोने के लिए नहीं ऑब्वियसली वो तो यूएस वगैरह में होते हैं इंडिया में आप समझ रहे हो ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है टिशू पेपर ऐसे ही चेहरा पोछना है कुछ डर्ट वाइप करना है काफ़ी लोग को रहता है तो पॉल्यूशन वगैरह होता है ना कुछ सिटी में तो आपको जैसे धूल निकालना है कुछ सॉल्यूशन लगा के तब तो फिर उसके लिए आपको टिश्यू पेपर ले सकते हो ठीक है एंड कॉटन वगैरह भी ले सकते हो तो कॉटन भी लिख लेता हूँ मैं एंड इसके अलावा डिओड्रेंट भी ले लेना परफ्यूम डिओड्रेंट जो आपको फेवरेबल है जो आपको घर पर यूज़ करते हो उसी को ले लेना कोई फेवरेट ब्रांड है ऑनलाइन में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है तो ऑनलाइन से ऑर्डर कर लो दैट इज़ अ गुड थिंग वो भी आप कर सकते हो डिओड्रेंट हो गया डिओड्रेंट के बाद आप कॉटन भी लेने ना, ठीक है कॉटन मतलब रूई ठीक है कॉटन यू कैन टेक उसके अलावा आपको हफ्ते में तो एक बार यार नेल तो कट करना ज़रूरी है तो नेल कटर भी अपने साथ लेके जाना काफ़ी लोग शेव करते हैं ना बॉयस लोग जो होते हैं बियर को शेव करते हैं तो उसके लिए ट्रिमर भी ले सकते हो आप तो ट्रिमर या फिर आप रेज़र प्रेफर करते हो तो रेजर भी ले सकते हो उस्तरा भी लेते हैं काफ़ी लोग उस्तरा लेते हैं मैं जैसे साइज़ ये जो बियड को ऐसे लाइन किया करता था अभी तो घर पर मैं बहुत दिन से किया नहीं हो हाँ उस तरह भी ले सकते हो उस तरह समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करता हूँ इतना उसरा हाँ ये देखो इसको बोलते हैं उसरा ये क्या हुआ अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो ना फ्लाइट में ये लगेज बड़े वाले में आप ले सकते हो जो कैबिन में लेको ना चेक इन बैगेज उसमें ये अलाउ नहीं होता मैं अभी रिसेंटली बैंगलोर गया था मेरे चेक इन बैगेज से निकाल दिया गया बोला कि आप जाके लगेज में डालो मैं बोला वो लगेज चला गया है अब उसको निकाल के बस इसी के लिए थोड़ी मैं रखूँगा अब फेंक दो उसको वही सौ रुपये के अंदर मिल जाता है काफ़ी जगह पर पचास साठ रुपये में भी मिल जाता है ठीक है सो दिस यू कैन टेक और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें आएगा आपका मिरर मिरर लेके जाना अब रूम में कोई भी आपका रूममेट वग़ैरह होगा जैसे डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग रूम रहता है तो उसमें कोई तो रूममेट लेके आएगा बट वो मत सोचना है कि कोई तो लेके आएगा जैसे मेरे रूम में मेरे अकेला की मेरे अकेले का ही मिरर था बाकी लोग का मिरर नहीं था तो मेरे मिरर को मैंने ऐसे कॉमन जगह पर टंगा दिया और उस जगह से बाकी सब लोग देखते रहे सो मिरर इज़ अ गुड वन उसके अलावा टवल भी ले लेना ले ठीक है टबल ले रहे हो तो उसके साथ आप हैं चिप भी ले सकते हो हैंकट चिप वो भी ज़रूरत है हैंकी जैसे बोलते हैं एंड बकेट यस बकेट एंड मग का कॉम्बिनेशन है ये चीज़ देखो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना मैं जैसे था यार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करके जाना था बकेट और मग लेके जाता तो फिर ज़्यादा डिस्टेंस होता लगेज भी जगह ऑक्यूपाई होता तो मैंने क्या किया मैं उसको वहाँ जा ख़रीदा जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ से ख़रीद लेना दैट इज़ अ गुड ऑप्शन ले जाओगे तो फिर ज़्यादा भर जाएगा ना और साथ में ना एक पाउच भी ले लेना पाउच से क्या होता है मेरा भी एक पाउच था पाउच में बेनिफिट ये है कि आप कैटेगरी वाइज रख सकते हो जैसे आ, मेरा अभी भी पाउच है मैं घर पे भी वही हॉस्टल वाला पाउच यूज़ करता हूँ टूथब्रश टूथपेस्ट नेल कटर रेजर वगैरह एक पाउच में फिर फेस वॉश बॉडी वॉश सोप वगैरह आपको रखना है उसको अलग पाउच में तो ऐसे पाउच कर लोगे तो कैटेगरी वाइज आप स्प्लिट कर सकते हो कि हाँ किस चीज़ के लिए क्या जरूरत है वो वाला पाउच उठाओ लड़कियों के लिए अच्छा रहता है जैसे उनको क्या लेना रहता है क्लचर लेना लेता है, है ना क्लचर सी एल यू टी सी एच ई आर हाँ क्लचर क्लचर आपको तो पता है यार बॉयज लोगों को बता दो मुझे पता नहीं था वीडियो से पहले ये देखो क्लचर वगैरह काफ़ी सारे क्लचर हैं और क्लिप्स वगैरह हेयर क्लिप्स रहता है तो उसको आप ले सकते हो उसको भी लिख लेता हूँ क्लिप्स और वो जो दूसरे तरह का ऐसे सुखाने वाला कपड़ा सुखाने वाला क्लिप आता है ना वो भी क्लिप आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो वो क्लिप ले जाओगे क्या होगा काफ़ी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ सकता है जैसे कोई सुखाना है कपड़ा बाहर आपको उड़ जा रहा है बालकनी में तो वो क्लिप्स आपको मदद करेंगे तो क्लचर लड़कियों के लिए वह अलग वैरायटी ऑफ क्लचर हेयर बैंड्स जो हेयर क्लिप्स होता है वो उसको अलग से रख सकते हैं गर्ल्स के लिए अब गर्ल्स के लिए कोई लड़की ही ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशन दे पाएगी बट मैंने सोचा यार मैं भी दे देता हूँ थोड़ा सा हाँ जितना मेरे एक्सपीरियंस है मेरे लड़की दोस्त जो भी हैं उनका एक्सपीरियंस मिला के तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ड्रेस हैंगर्स ठीक है अब ये ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको टॉयलेट्रेस के अंदर नहीं आएगा बट और कोई कैटेगरी नहीं मिला मैं सिलेनियस में ऐड कर देता फिर सोचा नहीं इसे में ऐड कर देते हैं आपके नॉर्मल चीज़ें हैं और आप समझ जाओगे तो ड्रेस हैंगर्स पता है वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ड्रेस हैंगर्स ये तो घर पे लगाते हो गए ये वाला तो ये सारी चीज़ें भी आप लेके जाना वो हेल्पफुल रहेगा हॉस्टल में आपको ओके अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं अरे एक सेकेंड नेक्स्ट कैटेगरी रहेगा आपका मेडिसिन मेडिसिन देखो यार कोई ब्रांड या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन में रिकमेंड नहीं करूँ ये मेडिसिन ऐसे हैं जो आपको एमरजेंसी यूज़ के लिए बिना किसी से पूछ के आप कंज्यूम कर सकते हो ज़्यादा नहीं एक या फिर आधा ऐसे कंज्यूम कर सकते हो ऑब्वियसली अपने घर वालों से पूछ लेना वो अच्छे से बता पाएंगे अपने फैमिली डॉक्टर से भी पहले से कंसल्ट करके लेना बट ये चीज़ें ना इमरजेंसी जैसे आपको कुछ आपको कोई कॉल कर रहे हो लग नहीं रहा बट फिर भी आपका तबीयत खराब है तो क्या क्या इसमें कंसिडर होगा मैं आपको बता देता हूँ एक हो जाएगा पैरासीटामॉल तो पैरासीटामॉल अपने पास वही चार पाँच छः रखना मैं भी रखा करता था बट ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि मैं जनरली पर्सनली काफ़ी लोग आप में से भी होंगे जिनको मेडिसिन लेना पसंद नहीं है मुझे भी पसंद नहीं है आज के डेट में हेड हो रहा है बुखार लग रहा है मैं सो जाता हूँ और सो के उठूँगा मेरा तबीयत ठीक कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे बताना और ये एक अच्छा चीज़ है काफ़ी बार लैक ऑफ रेस्ट के वजह से ये चीज़ होता है हाँ लूज़ मोशन के लिए आप दवाई ले सकते हो तो लूज़ मोशन उसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप सो के उठ जाओगे ठीक हो जाएगा वो खाना पेट ख़राब कुछ भी हो सकता है और नेक्स्ट है वोमिटिंग अगर उल्टी हो रहा है अचानक से तो उल्टी के लिए आप कुछ दवाई रख सकते हो और मैं कोई दवाई का नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे वरना फिर दिक्कत हो जाएगा दवाई आप देख लेना बट बत मैं बता रहा हूँ किस चीज़ के लिए आप दवाई एमरजेंसी रख सकते हो हेडेक हो गया हेडेक के साथ साथ सर दर्द कर रहा है वो बाम वगैरह होता है झंडू बाम वो भी यूज़ कर सकते हो फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना अगर जरूरत है बट जरूरत नहीं होता है हॉस्टल में वैसे भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है बट काफ़ी लोग प्रिकॉशन के लिए अपने पास भी रखते हैं तो आप अगर वैसा प्रिकॉशन लेना चाहते हो फर्स्ट एड बॉक्स भी अपने पास रख सकते हो नेक्स्ट होता है डिटॉल है ना ये डिटोल कंपनी का नाम है डायरेक्ट बता दे रहा हूँ हाँ तो डिटॉल भी रख सकते हो अगर कोई कटिंग वटिंग हो जाता है तुरंत आपको कॉटन भी रहेगा आपके पास डिटॉल भी रहेगा बैंडेड uh, भी रहेगा बैंडेड भी, रहे भी ले सकते हो फर्स्ट एड बॉक्स में आ जाएगा वो चीज़ें कवर हो जाएगा ठीक है दैट्स ऑल अब नेक्स्ट बात करते हैं यार यूटेंसिल्स की यूटेंसिल्स का क्या ज़रूरत है आप तो फिर हॉस्टल में कैंटीन जो रहेगा मेस रहेगा उसमें खाना खाओगे बट चीज़ यह है ना कि काफ़ी बार आप रात में खाना मंगाते हो बाहर से जोमेटो स्विगी वगैरह से ऑर्डर करते हो या फिर रूम में कुछ बना लिया तो उस जगह पर आपको यूटेंसिल्स होना ज़रूरी है तो यूटेंसिल्स के लिए क्या चाहिए प्लेट्स चाहिए तो प्लेट्स वही दो तीन तरह के रखना मैं दो रखा करता था एक था प्लेट जिसमें वो स्टील वाला होता है ना डिफरेंट दिखा देता हूँ मैं आपको स्टील प्लेट आ, ये देखो इसमें क्या होता है डिफरेंट कंटेनर है आप तरह तरह के वैरायटी ऑफ चीज़ें रख सकते हो और दूसरा होता है फाइबर प्लेट मैं फाइबर प्लेट भी रखा था एक फाइबर प्लेट आ, ये रहा हाँ एक सिंगल वाला ऐसे ही टाइप का था मेरा एक सिंगल वाला रहेगा तो इसमें भी आप और कुछ भी करना है ये क्लीन करने के लिए अच्छा रहता है तो ये क्लीन वगैरह ले सकते हो लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह होता है ना मतलब जो यूटेंशियल वाशर्स होता है वो भी ले लेंगे तो वो आगे बताऊँगा इसके बाद बताऊँगा बट बत हाँ यह स्टील फाइव प्लेट एक और फाइबर प्लेट है आप रख सकते हो इसके अलावा और क्या रखना है आपको स्पूंस रखना है स्पूंस में आप नॉर्मल स्पूंस ले सकते हो प्लास्टिक स्पून या फिर स्टील वाला स्पून एंड फोक्स भी ले सकते हो टू टू थ्री टाइप्स रखना कोई ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता उसमें बाउल्स बाउल्स में आप उसमें भी आपका प्रेफरेंस है मेरे पास दो था एक फ़ाइबर का था मतलब प्लास्टिक वाला और दूसरा एल्यूमिनियम का था तो टू इज़ अनफ नेक्स्ट ग्लास ग्लास तो प्रफ्रेंस है पर्सनल और वाटर बोटल्स वाटर बोटल्स का मेरा सीन ये था कि मेरे पास दो वाटर बॉटल्स थे uh, एक बड़े वाले और एक छोटे वाले तो छोटे वाले को मैं कॉलेज uh, लिया जाया था मतलब जैसे क्लास होता था तो क्लास में लेके मैं जाता था और कभी कभार नहीं भी लिया तो दूसरे बोतल से पानी पी ले बट अगर काफ़ी लोग का हेल्थ सेंसिटिव होता है उस केस में आप पर्सनल बोतल पर्सनल यूज़ के लिए रखना दूसरों को मत देना एंड uh, ना ही दूसरों से पीना हॉस्टल रूम में बार बार आपको भरना ना पड़े उस वजह से आप एक बड़ा बोटल रखना ताकि एक बार आप भर लो तो फिर एक दिन चल जाए या फिर आधा दिन तो चल जाए दिन में आप दो ही बार ही भरो ऐसा नहीं कि हर घंटे आप भरते जा रहे हो पानी काफ़ी लोग पीते नहीं हो पी लेना भाई पानी से काफ़ी सारा हेल्थ डिजीज़ चला जाता है सॉल्यूशन है पानी और एयर टाइट कंटेनर्स भी रखना ये क्या होता है भाई एयर टाइट कंटेनर्स दिखा देता हूँ एयर टाइट कंटेनर ये काफ़ी सारे टिफिन बॉक्स होते हैं ऐसे जार्स वगैरह हो होते हैं ऐसे बड़ा वाला ज़रूरत नहीं है ऐसे छोटा वाला देख रहे हो ऐसे एक दो तीन रख लेना जैसे किसी को आप खाना दे रहे हो काफ़ी बार आप जाके वहाँ पे बहुत चीज़ें चलेगा ना और वहाँ पे अगर बॉयज़ हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल खाना भेजना है गर्ल्स हॉस्टल से बॉयज़ हॉस्टल खाना भेजना है कैसे भेजोगे ऐसे एयर टाइट कंटेनर से ही तो भेजोगे ताकि हवा ना लग जाए और काफ़ी बार स्टील का कंटेनर होता है और उसमें थोड़ा गर्म रहता है चीज़ें अगर वो सब करना है तो आपको ऑब्वियसली वो लेके जाना पड़ेगा ओके okay? चलो ये हो गया अब बात करते हैं यार लिक्विड वाशर्स की ठीक है लिक्विड वाशेस लिक्विड वाशेस में क्या ले सकते हो डिटर्जेंट ले सकते हो डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स के अलावा डिश वॉशर्स आप ले सकते हो जैसे विम वग़ैरह होता है ना तो विम वग़ैरह उसका लिक्विड भी आता है विम लिक्विड ये देख लो ये मेरे पास था बीस रुपये का एक आता है ये वाला ये रहा बीस रुपये का ये मैं यूज़ करता था भाई बहुत टाइम तक चल जाता है ये मेरे दोस्त लोग भी यूज़ करते थे और इसका स्क्रबर भी होता है एक विम लिक्विड और स्क्रबर इसी के साथ आएगा ऐसे देखो ये छोटा वाला तो ऐसे ही दस रुपये का आपको स्क्रबर भी मिल जाएगा और लिक्विड बीस रुपये का तीस रुपये में ये भी हो जाएगा तो देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं हॉस्टल लाइफ जिया जियाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको लिक्विड वाशर्स हो गया अब इसके बाद बात करते हैं यार बेड के लिए आप क्या कर सकते हो हाँ डिटर्जेंट्स भी ले सकते हो उसके अलावा और एक आता है ना सुगंध के लिए ठीक है वो लिक्विड डिटर्जेंट में आपको मिल जाएगा लिक्विड डिटर्जेंट ये देख रहे हो काफ़ी सारे लिक्विड डिटर्जेंट हैं और सुगंध के लिए आता है मैं नाम भूल रहा हूँ बट वो भी अच्छा रहता है ठीक है सर सर्फ वगैरह ले सकते हो आप ओके गुड इनफ नेक्स्ट बात करते हैं बेडिंग एसेंशियल्स की बेडिंग एसेंशियल्स बेडिंग एसेंशियल्स में क्या होगा आ, पिलो हाँ देखो पिलो का क्या सीन है काफ़ी सारे हॉस्टल में पिलो प्रोवाइड करते हैं जैसे मेरे हॉस्टल में पिलो प्रोवाइड हुआ करता था बट आपके हॉस्टल में अगर पिलो प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने से लेके जाना और पिलो ले रहे तो पिलो कवर भी ले लेना पिलो कवर्स दो से तीन रखना ताकि एक अगर नहीं भी धुला है तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हो जब तक वो दूसरा धुलता है क्योंकि हॉस्टल में कपड़े धोने में बहुत टाइम लगाते हैं यार आप तो वो टाइम को सेव करने के लिए मतलब उसी दौरान आप यूज़ कर लेना दूसरा पिलो बिलो कवर हो गया इसके बाद बेडशीट्स बेडशीट का मेरा सीन ऐसा था कि मैं मेरे पास तीन या चार बेडशीट हुआ करते थे एक आध बड़े वाले जो डबल बेडशीट के बेड डबल बेड के बेडशीट होते हैं और एक आध सिंगल बेड के बेडशीट तो वो आप पर्सनल प्रेफरेंस है आपको तो ऑब्वियसली सिंगल बेड मिलेगा ऐसे नहीं कि पूरा एकदम राज वाला डबल बेडशीट डबल बेड मिलेगा हॉस्टल में एक ही सिंगल बेड मिलेगा तो सिंगल बेड के लिए आप डबल बेडशीट अब ओढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो खुद के लिए ओढ़ने के लिए और उसके साथ आप ब्लैंकेट्स भी ले सकते हो ठीक है ब्लैंकेट्स भी ले लेना सर्दी अगर होता है या फिर ऐसे ही मन कर रहा है बारिश हो रहा है या फिर थोड़ा सा हवा चल रहा है ब्लैंकेट आप ओढ़ के सोना चाहते हो तो ब्लैंकेट ओढ़ सकते हो नेक्स्ट है बेड टेबल यार बेड टेबल क्या होता है ये अच्छा चीज़ है एक बेड टेबल देख लो ये होता है बेड टेबल यार ऐसे छोटा छोटा ये क्या खुल गया ये देखो आप बेड पे बैठ के काफ़ी बार असाइनमेंट लिखोगे लैपटॉप चलाओगे तो बेड टेबल एक ले लोगे ना वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इजी रहेगा आप बेड पे ही बैठ के कमर एकदम ज़्यादा बैंड नहीं करना दीवार पे सटा दो और आराम से बैठ के बेड पे काम करो मैंने भी यूज़ किया है अच्छा रहता है यार बेड टेबल इज़ ए गुड थिंग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा जितने का भी आ रहा है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जो भी आपको मिल रहा है आई किया वग़ैरह अब वहाँ से ले लेना बेड टेबल हो गया और क्या चाहिए मस्क्यूटो रिपेलेंट मस्क्यूटो रिपेलेंट क्या होता है मच्छर ज़्यादा हो रहा है कंट्री करके कंट्री मतलब कंट्रीब्यूशन करके आपके अपने दोस्त लोग आप एक मॉस्किटो रिपेलेंट ले सकते हो और उसको रिफिल करना है तो फिर आप डिवाइड कर लेना कि कौन आ, कब उसको रिफिल करेगा उसको ख़रीद लेना उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें आप सभी का एक्सपर्टीज़ है उसमें कोई ज़्यादा चीज़ बताने की जरूरत नहीं है दैट इज़ अबाउट क्लॉथ्स अब क्लॉथ्स यार मैं क्या ही बताऊँ आपका जो पर्सनल प्रेफरेंस है बट कुछ बेसिक चीज़ें उसको रखना जैसे फॉर्मल्स फॉर्मल्स का क्या मतलब है आपका जो कॉलेज का रिक्वायरमेंट रहेगा यूनिफॉर्म है तो कॉलेज का यूनिफॉर्म रखोगे उसके अलावा जैसे ये है फॉर्मल शर्ट तो फॉर्मल शर्ट रखना कॉलर के साथ प्लेन कलर लाइट कलर ये फॉर्मल शर्ट हो गया फॉर्मल शर्ट के लिए फॉर्मल पैंट भी हो जाएगा देन कैजुअल्स भी रखना कैजुअल्स के साथ आपको टी शर्ट जरूरत है तो टी शर्ट्स भी रखना राउंड नेक वाले या फिर विथ कॉलर पोलो टी शर्ट्स देन जीन्स आप जीन्स भी ले सकते हो फेडेड जीन्स हो गया फायर जीन्स हो गया नॉर्मल जीन्स हो गया फिर शॉर्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो शॉर्ट्स आप हॉस्टल वगैरह में घूमने के लिए बाहर भी जा, जाते हैं काफ़ी लोग तो शॉर्ट्स आप पर्सनल देख लेना ठीक है इसके अलावा यार और जो वेराइटी है मुझे नहीं पता आप जो वेयर करते हो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो और एक चीज़ बता हूँ फ़र्स्ट ईयर में काफ़ी जगह पर बहुत सारी चीज़ें सीनियर्स की वजह से थोड़ा डर रहता है खौफ़ रहता है व अलाव नहीं रहता आप देखना है कि आपके हॉस्टल में अलाउड है अगर अलाउड है तो फिर आप उसको लेके जा सकते हो फूट वेयर्स अब फूट वेयर्स में भी बहुत सारा वेराइटी होगा मैं जो वही बताऊँगा कि फॉर्मल्स आप रखना जो कॉलेज में पहन के जाओगे या फिर कोई फंक्शन सेमिनार हुआ उसके उसके लिए पहन के जाओगे फ्लिप फ्लॉप्स अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं फ्लॉट्स लिख लिया मैंने फ्लिप फ्लॉप्स देखा देता हूँ फ्लिप फ्लॉप्स ये रहा ये हॉस्टल वगैरह में वॉशरूम वगैरह में जाने के लिए बहुत यूज़ होता है एकदम गलाया मतलब ऐसे डाल दिए और निकल गए वहाँ से तो ये इज़ी रहता है एंड स्पोर्ट्स शूज़ स्पोर्ट्स शूज़ रनिंग वगैरह जाना है मॉर्निंग वगैरह जाना है जॉगिंग जाना है ऐसे नॉर्मल भी जाना है तो आप उसके लिए जा सकते हो नेक्स्ट यार ये हो जाएगा आपके लिए फूड फूड आइटम्स फूड आइटम्स भी पर्सनल प्रेफरेंस है जो आप घर से खाते हो कोई घर का खाना है घर का खाना लेके जा चले जाना या फिर वहाँ पे स्नैक्स जैसे मैगी हो गया या फिर मिक्सचर हो गया बिस्किट हो गया मूढ़ी हो गया और अचार हो गया ये सभी चीज़ें क्या कर सकते हो तो आप वहीं पे जाके ख़रीद लेना ताकि सड़ भी ना जाए और जल्दी आप कंज्यूम कर लो खा लो और उसको बार बार रिफ़िल करते रहो उसके लिए कंटेनर भी रहेगा जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं उसमें डाल के रख सकते हो या फिर पैकेट में आता है तो एक बार पैकेट खुला आप खा लिया कोई बिस्किट और बिस्किट हो गया या फिर कोई भी स्नैक्स नमकीन बिस्किट्स सभी चीज़ का आप कॉम्बिनेशन रखना आपके पास ओके okay? uh, वो अच्छा रहता है ऑब्वियसली अच्छा रहता है वो नेक्स्ट फूड आइटम्स मैं वही बताऊंगा इसमें कोई चेकलिस्ट नहीं है ज़्यादा कुछ बस मैं लिख लूँगा स्नैक्स आप घर से कुछ लेना है ले सकते हो दैट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस अब लॉक की बात करते हैं यार लॉक्स अब लॉक का क्या जरूरत है वहाँ पे आपका जो स्मॉल लगेज होता है ना स्मॉल लगेज के काफ़ी बार लॉक्स ज़रूरत होते हैं आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ ज़रूरत है जो ट्रॉली वगैरह रहता है उसमें तो डिजिट लॉक आते हैं अब डिजिट लॉक का भी काफ़ी बार लॉक खुल जाता है कुछ शॉर्टकट डाल के तो आप फिजिकल लॉक रखना छोटा सा लॉक रहता है वो लॉक रखोगे तो ईजी रहेगा एंड उसके अलावा डोर के लिए बिग डोर डोर लॉक्स ठीक है और मेरा मेरे केस में क्या था कि हम लोग कंट्रीब्यूट करके तीन लोग एक लॉक लिए थे हॉस्टल ही दिया था और हमसे पैसा ले लिया चालीस चालीस रुपए तो चार लोगों से लिया तो 160 का बना फिर सेकेंड ईयर में जाके फिर आ, आ, और कंट्रीब्यूट किए तो और एक लॉक ले लिए उसी को चालीस चालीस रुपये एक सौ बीस रुपये का कुछ लॉक था उसी को हम यूज़ करने लगे ठीक है तो वो लॉक हमारे पास अभी भी है मतलब मेरे पास अभी भी है मैं ले आया क्योंकि बाकी लोग बोले कि हाँ ज़रूरत नहीं है और मिसलेनियस की भी बात करते हैं और मिसलेनियस में बहुत चीज़ें आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ हाँ मिसलेनियस मिसलेनियस में क्या क्या रहेगा एक अम्ब्रेला रख लेना बारिश वगैरह होता है रेनकोट वगैरह होता है रेनकोट जनरली प्रेफर नहीं करते अम्ब्रेला इज़ गर्ड तो अम्ब्रेला प्रेफर करके आप जा सकते हो उसके अलावा आई मास्क आई मास्क मैं तो यार मैं कहीं भी सो जाऊँ कभी कभी भी सो जाऊँ मुझे नींद आ जाता है काफ़ी लोगों का दिक्कत होता है लाइट से मेरे रूम मेट एक को दिक्कत था लाइट से तो फिर आ, सोने का टाइम अलग अलग होता है मैं जनरली लेट नाइट सोता था तो लाइट ऑन करके रखूँगा तो उसको दिक्कत होगा उस वजह से मतलब uh, वो कंबल ओढ़ देता था ऐसे बट काफ़ी लोग आई मास्क भी पहन लेते हैं तो आई मास्क पहन लोगे लाइट ऑन भी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा आई मास्क देन नीडल नीडल एंड थ्रेड कपड़ा वगैरह कोई बटन निकल जाते कुछ निकल जाते वो भी आप सीख जाते हो मैं सीखा नहीं हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी होता था मैं घर ले आता था मम्मी कर देती दे थी या फिर आपकी लड़की दोस्त अगर हैं अच्छे लड़की दोस्त गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा करूँ लड़की दोस्त टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स तो उनको आप दे सकते हो और वो भी आपको मदद करेंगे ठीक है मुझे याद नहीं कभी ऐसा हुआ है बोल के शायद भी हुआ हो मतलब इतना टाइम रहा तो याद नहीं है डायरी ले सकते हो डायरी में आप चीज़ें लिख सकते हो ठीक है अगर अकेला फील हो रहा है कुछ भी हो रहा है हाँ लिखना फाड़ के जला देना या फिर फेंक देना या फिर रखने का मन है कोई अच्छा चीज़ है मेमोरी है तो उसको रख भी लेना नोवेल्स में खुद लेके गया था काफ़ी सारे नोवेल्स में कॉलेज टाइम पे पढ़ा अच्छा लगा न्यूज़ पेपर्स का ज़रूरत होता है न्यूज़ पेपर्स पढ़ने के लिए नहीं जैसे आप अपना लॉकर को सेट करते हो बहुत धूल होता है ना नीचे डायरेक्ट सीमेंट वगैरह में न्यूज़पेपर पेपर डाल के रखोगे उसके ऊपर कपड़ा हो गया या फिर उसके बाद ऊपर जो बुक्स वगैरह हो गया तो गंदा नहीं होगा वो तो न्यूज़ पेपर एज ए प्रोटेक्टिव आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट सेफ्टी पिन्स सेफ्टी पिन्स काफ़ी बार ज़रूरत पड़ता है कुछ भी ज़रूरत हो गया कोई दो चीज़ को ऐसे लगा के हो गया सेफ्टी पिंस पे रख लेना एक पैकेट कैरी बैग्स कैरी बैग छोटा छोटा जो थैला आता है मैं भी घर से लेके गया था कैरी बैग्स किसी को कुछ सामान देना है कुछ लेना है या फिर एक तरह का सामान ऐसे इकट्ठा करके एक बैग में रख के अंदर रख लेना है तो उसके लिए कैरी बैग्स काम में आता है नेक्स्ट टेबल लैम्प टेबल टेबल लैंप का क्या जरूरत है रात में अगर लाइट ऑफ करके उसके बाद पढ़ना है या फिर थोड़ा सा फोकस्ड एरिया में रहना है उसके लिए टेबल लैम्प काफ़ी बार ज़रूरत पड़ता है तो टेबल लैम्प आप ले सकते हो नेक्स्ट स्पेयर स्पेक्स स्पेयर स्पेक्स चश्मा अगर आप पहनते हो मेरे तरह और आपको आपके पास घर पे एक एक्स्ट्रा स्पेक्स है तो उसको भी आप लेके जाना रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ सुनो एक बार क्या हुआ मैं निकल रहा था कहीं जाने के लिए और मेरा चश्मा रखा हुआ था टेबल के ऊपर और एक भरा हुआ पानी बोतल भी था उसमें दो लीटर का पानी बोतल जल्दबाजी में ऐसे ही निकल रहा हूँ पानी का बोतल गिर गया चश्मे के ऊपर चश्मा टूट गया एकदम ये जो ग्लास था टूट गया चश्मा का फ्रेम भी बीच से टूट गया अब मैं क्या करूँ उस टाइम पे इतना टेंशन हो गया मैं क्या करूं बट अच्छा चीज़ ये हुआ ऑब्वियसली टेंशन कोई भी हो जाएगा अचानक से दिमाग में कुछ नहीं आता बट अच्छा चीज़ ये हुआ कि मेरे पास एक स्पेयर में मैं स्पेक्स था मैं लेंस कार्ड यूज़ करता हूँ तो लेंस कार्ड में बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर था तो मैंने मेरे पास दो थे और एक टूट गया और मैं दूसरा वाला उसको यूज़ किया तो वो भी चीज़ आप स्पेयर में अगर हैं तो ले सकते हो बहुत यूजफुल चीज़ें होता है स्पेयर में से लेना नेक्स्ट नैपथलिन बॉल्स नैपथलिन बॉल्स ये क्या होता है देखते हैं एन ए पी एच टी एच एन बॉल्स ये कर्पूर जैसे बोलते हैं ना कर्पूर तो ये बहुत सुगंधित वाले कर्पूर होते हैं इसको आप अपने लॉकर में डाल सकते हो ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं इधर उधर के वो ना आए ऐसे माना जाता है मेरा तो यार बहुत सुगंधित हो गया था जो लॉकर था और मैं इसको हर बार यूज़ करता था मैं भूल भी जाता था तो मम्मी मेरे साथ बैग में दे देती दे थी, थी ये ले लेना और जब मैं हॉस्टल जाके जब छुट्टी में आता था, था ना दशहरा वगैरह हो गया और जब मैं जाता था उसको अनपैकिंग करता था दिखता था तो मैं इधर उधर उधर करके ऐसे लॉकर में डाल देता था और बहुत अच्छे से रहता था फ़्रेश भी लगता था जब भी अपना लॉकर खोलो और गुड थिंग मैं आंटियों को भी रिकमेंड करूँगा कि अपने बच्चों को दे दीजिए नेपथलिन बॉल्स और एक्सटेंशन कॉर्ड भी ले लेना ठीक है एक्सटेंशन कॉर्ड ले जाओगे तो अगर स्प्लिट करना है आपके पास मल्टीपल चीज़ें तो आज के पास आज के डेट में सबके पास है मोबाइल फ़ोन लैपटॉप और दो दो मोबाइल फ़ोन रखते हैं काफ़ी लोग पावर बैंक चार्ज करना है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट गैजेट लगाना है लगा सकते हो अपने रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हम लोगों ने एक लिया उसके लिए कंट्रीब्यूट कर दिया पैसा और पर्सनल एक एक लिए थे छोटा छोटा एक्सटेंशन कोड तो दैट इज़ योर प्रेफ्रेंस नेक्स्ट रोप धागा वगैरह होता है काफ़ी बार सामान को बांधना रहता है कपड़ा सुखाने के लिए बाहर ऐसे टंगाना है कपड़ा तो फिर उसके लिए धागा से बांध सकते हो धागा का भी लेके जाना अब सब चीज़ आप ही करोगे कि आपका रूममेट कुछ नहीं करेगा बाद में सब डिसाइड कर लेना कि यार कितने रुपए का आता है आप डिवाइड कर लो फ़ोन पे है ना वहाँ पर एक एक पैसा भी आप भेज सकते हो तो डिवाइड कर लेना कि सत्रह रुपये पैसा लगा तो सत्रह रुपये पैसा आपको भेज देना ठीक है चलिए अब बात करते हैं यार इलेक्ट्रिक आइटम्स की लास्ट आइटम है इलेक्ट्रिक आइटम्स यहाँ पे देखो टेबल फ़ैन की बात करते हैं सबसे पहले मैं यार टेबल फ़ैन लेके गया था बहुत बाद में एक टेबल फ़ैन ख़रीदा वहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ा क्योंकि बहुत गर्मी होता था ठीक है भुवनेश्वर में रहता था तो बहुत गर्मी हुआ एंड नॉर्मल जो रूम के फैंस होते हैं उससे आपको अच्छा नहीं लगता कि यार बहुत तेज नहीं चल रहा है आपके पास नहीं है टेबल फ़ैन ले लोगे आपके पास भी रहेगा अच्छा ठंडा हुआ आ जाएगा किसी किसी हॉस्टल में कूलर्स वग़ैरह भी अवेलेबल हो जाता है आप कूलर्स uh, भी ले सकते हो रूम में मेरे में था कि यार कूलर लोगे पानी भरो फिर बहुत ड्रामा है उससे अच्छा फ़ैन ही रख लो अच्छा है और अगर आप कूलर लेना चाहते हो कूलर भी ले सकते हो नेक्स्ट हॉस्टल में दो चीज़ें अलाउ नहीं होता दैट इज़ योर इंडक्शन स्टोव एंड इलेक्ट्रिक केटल ये दो चीज़ का जुगाड़ कैसे होता है हमारे हॉस्टल में भी अलाउड नहीं था काफ़ी लोगों का सीज भी हो गया जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं ना वो आके ले जाते हैं बट हमारे में था कि चलो छुपा लेते हैं यूज़ कर लेते हैं सेटिंग कर लेते हैं कुछ भी होता है काफ़ी बार बाद में जाके तो आ, देखते भी नहीं हैं है ना कि हाँ पड़ा है तो पड़े रहने दो तो वो चीज़ें भी ले सकते हो तो मैं एक बोलूँगा आयरन जो कपड़ा प्रेस करने के लिए आयरन देन इंडक्शन स्टोव इंडक्शन स्टोव समझ रहे हो कौन सा इंडक्शन स्टोव प्लेन फ्लैट सर्विस में आता है ना ये वाला इंडक्शन स्टोव और एक होता है इलेक्ट्रिक कैटल इलेक्ट्रिक कैटल ये रहा तो ये दो चीज़ें आप ले जा सकते हो ठीक है अब वो आपका अलाउड होता नहीं होता उस सब चीज़ से देख लेना बट मेरे में था मैं तो ले के गया था इलेक्ट्रिक कैटल आयरन नहीं था आ, कपड़ा प्रेस करने के लिए धोने के लिए तो लॉन्ड्री भी होता है बट हर बार कितना पैसा देकर आप धुलाओगे Uh, किसी दोस्त का है तो उसका आयरन यूज़ कर लो मैं काफ़ी बार अपने दोस्त का कर लिया मेरे दोस्त ना मेरे लिए कर देता था डायरेक्ट मैं भी नहीं करने पड़ा डायरेक्टली कर दिया कपड़ा प्रेस अच्छा लगा और उसको पहन के आ गया एंड इंडक्शन स्टोव किसी किसी के पास था चिकन 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 वगेन बनाते थे अपने रूम में हॉस्टल में और काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक कैटल यूज़ करते थे मैं भी यूज़ करता गर्म पानी जैसे सर्दी बुखार हो गया तो गर्म पानी आपको पीना पड़ता है गर्म पानी कैसे पियोग हॉस्टल में बताओ तो अगर प्राइवेट हॉस्टल है लग्जरियस हॉस्टल है वहाँ पर मिल भी जाता है बट इमीडिएट चाहिए रूम में कैसे मिलेगा उसके लिए आपको ये जुगाड़ करना पड़ेगा अपने से इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ यार आप मुझे बता देना बट बत इतना लंबा लिस्ट में बना दिया ऑलमोस्ट सही में यार बहुत सारा लिस्ट हो गया बट ज़रूरत पड़ता है ऐसा कोई बेकार का चीज़ें यहाँ पर नहीं बताया हूँ कुछ चीज़ें बेकार का लग सकता है टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर ज़रूरत है नहीं भी है उसको हटा सकते हो और ये नोशन में क्या होता है ना कि आप टिक कर सकते हो जैसे जो चीज़ हो गया मैं तो यार नोशन रखता हूँ ट्रैवलिंग के लिए जैसे मुझे लेना रहता है दो वॉलेट दो फ़ोन फिर आईपैड uh, पैड हाँ मोबाइल फ़ोन चार्जर वगैरह भूलना मत भाई बहुत दिक्कत होता है जैसे पिलो हो गया मैं ट्रैवल में पिलो नहीं लेता कपड़े वगैरह हो गया शूज़ हो गया फॉर्मल ले लिया फिर सैंडल ले लिया एंड अम्ब्रेला लिया कि नहीं लिया वो सब ऐसे टिक अन टिक कर सकते हो मैं करते रहता हूँ मेरा हर बार जित जब भी ट्रैवल करता हूँ एक बार घर से निकलने के टाइम और एक बार वहाँ से अगर निकल रहा हूँ चेकआउट करते टाइम मैं ये चेकलिस्ट पकड़ता हूँ और टिक करते जाता हूँ जो चीज़ मैं लेके आया था वो सब चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ कि नहीं दिस इज़ अ गुड थिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस विल हेल्प यू और ऐसे सटा में हम लोग आगे वाले वीडियोस में बात कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ठीक है इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा मेरे पर्सनल फोटोज़ डालता हूँ कुछ रील्स वगैरह डाल देता हूँ एंड स्टोरीज डालता हूँ एजुकेशनल रहता है काफ़ी बार आपसे फ़ीडबैक लेता हूँ उनसे मूवी देखूँ ना देखूँ तो एंटरटेनमेंट चीज़ें भी होती रहती हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो मिल रहा हूँगा अगला वीडियो में तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद